हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ शहजाद। आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो ऑफ सीरीज ऑफ बेसिक ड्राइंग्स। ठीक है, तो आपको आई होप आपको लास्ट मेरी जो दो वीडियोस हैं वो आपको पसंद आई होंगी सीरीज़ की, और आई होप आई विल हेल्प यू टू स्टार्ट विद नेक्स्ट लेवल। क्या आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं, कैसे आप काम कर सकते हैं। लास्ट हमने सर्कल और कर्व्स, ट्रायंगल और कुछ बेसिक शेप से हमने ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश की थी, जिससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूंगा फ्लो के बारे में, कि ड्रॉ करते समय आपका फ्लो कैसा होना चाहिए, कैसा फ्लो रहना चाहिए आपका, और वो कैसे आप डेवलप कर सकते हैं अपने हाथ का फ्लो। क्योंकि अगर आपका हाथ का फ्लो ही ठीक नहीं होगा तो आप शायद ड्राइंग भी बेटर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो कुछ लोग होते हैं कभी यहाँ से ऊपर से पेंसिल पकड़ते हैं, कभी नीचे से पेंसिल पकड़ते हैं। तो आपका जैसा फ्लो, कोई आर्टिस्ट होते हैं जो ऐसे पेंसिल को पकड़ते हैं, तो हर किसी आर्टिस्ट का अपना एक बनाने का, ड्राइंग करने का तरीका अलग होता है। सो मैं जो ड्रॉ करता हूँ वो ऐसे करता हूँ, जिसका भी जैसे रहे कंफर्टेबल, जैसे हो आप वैसे ही ड्राइंग करें दूसरे आर्टिस्ट को देख के। ऐसा ना हो कि भाई आप भी वैसे ही करने लग जाएं। हमको आर्टवर्क हम कॉपी कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं वहाँ से, बट जहाँ तक बनाने का तरीका है वो हर किसी का अपना डिफरेंट रहता है। सो हमें अपने तरीके को डेवलप करना है, अपने हाथ के फ्लो को बढ़ाने के लिए सबसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा सर्कल, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की थी। लाइक दिस, राइट। सो अभी हम वार्म अप स्टेज पे हैं। सो हमने वार्म अप किया अलग अलग तरीके के शेप्स का। ठीक है, सो अगर सर्कल की बात करो तो इसको अगर हम चार हिस्सों में डिवाइड कर दें, चार हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमें चार इसके टुकड़े मिल जाते हैं, लाइक दिस। और लेफ्ट टू राइट, देन टॉप। इसकी आप प्रैक्टिस करें, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट दोनों तरह से, और इसी तरह से बॉटम पार्ट। ठीक है, देन उसके बाद हमारा कर्व की शक्ल में कुछ कुछ स्ट्रोक्स हैं, जैसे कि ऐसे, तो ये क्या हेल्प करेगा आपको, आपके हाथ में फ्लो देने के लिए आपको फ्री रहना है। बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो कुछ कुछ ऐसे ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं, हाथ को अपना वहीं पर, हथेली को वहीं पर ही रखकर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आपको हाथ को फ्री रखना है, अपने हाथ को जितना ज़्यादा फ्री रखेंगे उतना ज़्यादा आपके हाथ फ्री होकर ड्रॉ कर पाएगा, नहीं तो आपकी ड्रॉइंग जो रहेगी वो स्टिफ ड्रॉइंग रहेगी। सो इसी तरह से दूसरी तरफ ड्रॉ कीजिए, दूसरी साइड, और इसी तरह से वर्टिकल की प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह से नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर के बाद देन एस, को एक और तरीका मैं बता सकता हूँ कि इसको आप एट इस तरह से एक एट बना के भी आप अपने फ्लो को और ज़्यादा बेटर कर सकते हैं, राइट। देन कोई कोई ड्रॉ करते समय डॉट्स का ऐसे इस्तेमाल करता है कि हम डॉट्स को ऐसे करके मिला दे लाइंस को, बट ऐसा नहीं करना है। हमको स्मूथ एक फ्लो में लेकर आने की कोशिश करनी है। वो कब होगा, जब हमारी प्रैक्टिस काफ़ी होगी और हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 50 टाइम्स जब भी अपनी ड्राइंग करनी है, और अभी आप डे 3 पर चल रहे हैं,
सो ग्रुप थ्री में हमको ये प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा करनी चाहिए। ये आपको कहाँ हेल्प कर सकता है, इस तरह के स्ट्रोक्स, इस तरह की चीज़ें कहाँ पे हेल्प कर सकती हैं, ये आपको कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाल बनाने, ओके, दिस इज़ माय कैरेक्टर, और अगर मैं इसके हेयर को निकालने की कोशिश करूँ कैरेक्टर के, तो कुछ ऐसे इसमें डेप्थ कहाँ से कहाँ तक निकलेगी वो हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। बट अगर आपका फ्लो अच्छा होगा तो आप उसमें डेप्थ भी निकाल सकते हो और कैरेक्टर में फील भी दे सकते हो, राइट। सो इसमें आपका ये स्ट्रोक्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, तो इसीलिए हमको ये लगातार प्रैक्टिस करनी है करने की, ठीक है। इसी से ही और भी तरह के शेप्स बनते हैं और तरह के ऑब्जेक्ट्स बनते हैं इस फ्लो में आके। अगर मैं कोई लीफ बनानी है या कोई पत्ती बनानी है, ओके, तो आप ऐसे इसको क्रिएट कर सकते हैं। राइट, सो इस तरह से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। और इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियोस। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरी ईमेल मुझे कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी मेरी इन्फॉर्मेशन में है अपडेटेड, और आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, विच इज़ मैंशनड इन माई वीडियो एज़ वेल, मेरा इंस्टाग्राम का लिंक। और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई क्वेरी हो ड्राइंग के ऊपर, या आपको कुछ पूछना हो, आपने कुछ ड्रॉ किया उसमें कुछ फीडबैक लेने हो, वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड If you like the video, please subscribe or like my video and comment if you have any query or question. Thank you so much. See you in my next video.